वीडियो पसंद आने पे लाइक का बटन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करें टीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टीएन एकेडमी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अ राइटिंग ऑन वॉल फॉर सक्सेस। टीएन के संस्थापक ने ठाना है शिक्षा स्तर को उच्चतम शिखर तक ले जाना। What is mathematics? Mathematics is the study of such topics as numbers, quantity, and shapes. It has no generally actual definition. Mathematics was first time used 1591. The father of mathematician is Greek mathematician Archimedes. The father of modern mathematics is French philosopher René Descartes. उसके बाद इनका यूज कैसे चलना शुरू हुआ, जैसे व्हाट इज ए, अब शुरू होगा जैसे व्हाट इज ए नंबर, नंबर्स क्या है, उसके बाद इनका व्हाट इज ए नंबर्स लिखे। एक ग्रुप ऑफ डिजिट आर कॉल्ड नंबर्स। ठीक है आर कॉल्ड नंबर। जैसे नंबर्स का यूज ना, जब बचपन से जब बच्चा पैदा होता है, अपने दैनिक जीवन में भी यूज होता है। जब कभी बच्चा पैदा होता है तो उसमें हम बोलते क्या है कि आज टाइम 5:30 बजे हैं, ये बच्चा पैदा होने का टाइम क्या है, 5:30 बजे हैं, ये 30 सेंटीमीटर लंबा है, या है ना 30 सेंटीमीटर लंबा है, या भाई कह सकते हो आप इंचीज है, 30 मीटर है, जैसे लंबाई मापने के जो जो सोर्सेज हैं, और ये 2.5 किलो का है। तो ये क्या है, ये नंबर्स है, ये सब क्या है, नंबर्स हैं। तो एक ग्रुप ऑफ डिजिट आर कॉल्ड नंबर्स। तो जैसे या आप कह सकते हो जैसे 123 हैं, 245 हैं, ये सब क्या है, नंबर्स हैं। अब इन नंबरों का यूज कब हुआ, उसके बाद एक ग्रुप ऑफ डिजिट। तो आपने देखा कि दैनिक जीवन में भी हमारा नंबर्स का यूज है। बच्चा जब पैदाश होती है उस टाइम से ही नंबर शुरू हो जाते हैं। चलिए अब डिजिट का क्या रोल है, व्हाट इज ए डिजिट। 0 to 9 काउंटिंग आर कॉल डिजिट। 0 to 9 काउंटिंग आर कॉल डिजिट। आर कॉल डिजिट आउट ऑफ टेन डिजिट 0 आर कॉल इनसिग्निफिशियंट डिजिट, 1 to 9 आर कॉल सिग्निफिशियंट डिजिट। तो डिजिट का क्या रोल हुआ भाई, 0 to 9 काउंटिंग आर कॉल डिजिट, और आउट ऑफ टेन्स 0 आर कॉल इनसिग्निफिशियंट डिजिट, 1 to 9 आर कॉल सिग्निफिशियंट डिजिट। तो 0 से लेकर ये जो 9 तक की जो काउंटिंग है, यही हमारी मैथ्स की भाषा में क्या कहलाएगी, डिजिट कहलाएगी, जो हिंदी में मैथ्स पढ़ते हैं अंक कहलाएगी। अब बेटा इनका यूज होना शुरू हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 आर कॉल इनसिग्निफिशियंट डिजिट। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ डिजिट क्या है, आमतौर पर बच्चा जिसको नॉलेज नहीं है तो वो इवन ओड ये वो बोलता रहता है, आप समझ आ रही है। तो एग्जामिनर ये जांचेगा, क्योंकि वहां आपसे क्वेश्चंस निकालना तो देखे पूछेगा नहीं, कि आप क्वेश्चंस निकाल के हमें बताइए। तो आपसे पूछेगा मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स, कुछ विधियां, कि आप बच्चे को कैसे टीच करोगे, ये कैसे आकलन करोगे, अगर उस बच्चे को आप पता है या ना पता है, ये बेसिक नीड वे हैं। क्या आपको ये चीजें पता है कि आप बच्चे को डिजिट करा रहे हो, जैसे चलिए भाई 1 to 0 आर कॉल्ड इनसिग्निफिशियंट डिजिट, 1 to 9 आर कॉल्ड सिग्निफिशियंट डिजिट।
आई एम राइट. चलिए सर, असार्थक अंक, ये कौन है? सार्थक अंक. उसके बाद देखना. चलिए भाई, डिजिट के बारे में आपने सुना, फिर उसके बाद ये मैथ्स की परिभाषा आपने सुनी. इस मैथ्स को भी फिर ना तीन पार्ट्स में बच्चों बांट दिया गया, अंगणित, बीजगणित, रेखागणित. अंगणित, बीजगणित और रेखागणित. अब अंगणित, बीजगणित और रेखागणित. अब ये अंगणित क्या है? सबसे पहले अब ये आपने जैसे जितना भी पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल तक, टेंथ तक का जो ये है, इनका यूज है. तो सबसे प्राचीन शाखा मैथ्स की कौन सी कहलाती है? अब आप अंगणित सबसे प्राचीन. नहीं नहीं बेटा, गलत है, गलत देख लिया. तो हाँ, गलत देख लिया. तो नेट, हाँ तो गलत देख लिया, जहां भी देखा ना. तो कहने का मतलब सबसे जो प्राचीन शाखा है मैथ्स की कौन है? अंगणित, अर्थमेटिक है. तो ये आपसे पूछा जाएगा भाई सबसे, ठीक है, लिख सकते हो. फिर ये अंगणित है क्या? ये अंगणित है क्या? अब इस अंगणित के बारे में, अंगणित है क्या? अंगणित क्या है? अंकों तथा, आप सुनना एक बार, अंकों तथा अंकों के समूह के बीच के विज्ञान के अध्ययन को अंगणित बोलते हैं. क्या है? अंक, नंबर्स और नंबर ऑफ ग्रुप्स. अब नंबर है, अंकों तथा अंकों का समूह, इसके बीच जो एक साइंस छिपी हुई है बच्चों, एक जो उसकी, उसके रहस्य को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक बोलेंगे. तो अंकों तथा अंकों के समूह के बीच के विज्ञान के अध्ययन को अंगणित कहा जाएगा. क्या इस बात से सहमत हो? कन्फर्म है? आगे चलूँ मैं? चलिए भाई, नेचुरल में, वोल में, नेचुरल नंबर्स, वोल नंबर्स, इंटीजर्स आपने देखे, रैशनल, इरेशनल. तो आपने ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन रैशनल, इरेशनल कुछ ऐसा कॉमन है. तो आपसे ना रैशनल नंबर, जैसे कहने का मतलब, वहाँ पे आपके जैसे क्वेश्चन जो पुट होंगे पर्सनलिटी डेवलपमेंट से लेकर सब कुछ आपका चेकिंग होगी उसमें. तो उसका आपका जो आकलन होगा बेटा, कि आपने एक अध्यापक बनना है, क्या क्लासरूम टीचिंग्स आपको आती है? अब वो कहने का मतलब आपसे ये पूछा जाएगा कि रेशनल क्या है. मान लिया ऑन द स्पॉट जो क्वेश्चन आपसे पूछे, तो जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में मेंशन कर पाए, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में मेंशन कर पाए, आर द ऑल फ्रैक्शन आल कॉल्ड रेशनल. जैसे क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन क्या है भाई, रेशनल नंबर क्या हुए? ऑल फ्रैक्शन आर कॉल्ड रेशनल, पर क्यू नॉट इज इक्वल टू आर जीरो. कंडीशन क्या है? जितनी भी फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएंगे? बिन कहलाएंगे, जिनको हम बिनों के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में मेंशन कर सकते हो. जैसे भाई 2/3 है, 3/5 है, 5/9 है, 11/19 है, 0/3 है, ये सब कौन कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे. आगे चलो क्या, ये सब क्या है? रेशनल नंबर कहलाएंगे. उसके बाद ये तो थी रैशनल नंबर. फिर इरेशनल है, जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में मेंशन ना कर पाए. फिर कौन है बेटा? इरेशनल नंबर, जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में मेंशन नहीं कर पाए आज तक. इरेशनल नंबर जो हिंदी में पढ़ती हैं अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में मेंशन नहीं कर सकते हो. जैसे बच्चों √2 है, अब √3 है, √5 है, √11 है, ये सब इरेशनल है, काल्पनिक वैल्यू है. जब जब इंसान ने कल्पना करी है वो सब अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ गई है. जब जब इंसान ने कल्पना करी है वो सब किसके अंदर आ गई है? इरेशनल नंबर. वे सभी काल्पनिक वैल्यू हैं, इरेशनल नंबर है. आगे चलो, जैसे देखिए उसके बाद, जैसे √4 आर कॉल्ड नॉट रैशनल. √4 एक रैशनल नहीं है. ये जितने भी परफेक्ट स्क्वेयर है, जैसे √16, 4 × 16, √25, जैसे 5 × 5 = 25, ये सब क्या है? रैशनल नंबर नहीं है. तो जितने भी भाई एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पा रहे हैं वो सब रैशनल, जिनको हम डिफाइन कर पा रहे हैं, डिफाइन नहीं कर पा रहे, इरेशनल. अब इसमें ना पाई, अच्छा ये इरेशनल पूछता इसलिए है क्योंकि इसमें पाई और इन्फिनिटिव का बड़ा रोल है. जैसे पाई की डिस्कवरी आर्यभट्ट ने की थी. आयम तौर पर पाई एक प्रीमे है, अप्रीमे है, ये क्वेश्चन रिटर्न में भी कई बार पूछे गए हैं. तो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है. लेकिन पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये तो एफरी में, क्या रीजन है एफरी में? नहीं, अब सुनिए, ओरिजिनल पाई की वैल्यू से नहीं, गलत. देखिए
पाई का मान 22/7 इसकी डिस्कवरी आर्यभट्ट ने की थी। जैसे इसको आप सोल्व करते हो, जैसे शांति या 21 पे जाते हो बच्चों, एक उतारते सात एकम सात, कितने में गया फिर 7 × 28, ऐसे करके फिर आगे आगे बोलो बोलो 7 × 14, तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये कहने का मतलब डेसिमल के 4 स्थानों तक इसका जो सॉल्यूशन निकाला तो ये आर्यभट्ट ने निकाला, लेकिन इसकी डिस्कवरी को रामानुजन ने इसकी डिस्कवरी को आगे बढ़ाया, इसको 100 प्लेस तक इसकी वैल्यू को आगे बढ़ाया। इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पाई की डिस्कवरी किसने की, आर्यभट्ट ने, तो पाई की डिस्कवरी किसने की थी, आर्यभट्ट ने, है ना भाई। इसकी पुस्तक भी का भी नाम है आर्यभट्टीय, काफ़ी पॉपुलर पुस्तक रही है। उसका अनुवाद किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो आर्यभट्टीय नामक जो पुस्तक का जो अनुवाद किया गया था बेटा, वो संस्कृत भाषा में किया गया था, मतलब लिखी संस्कृत भाषा में थी। तो आर्यभट्टीय नामक पुस्तक सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। TN Academy for all competitive exams, a writing on wall for success.